क्या आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। सो हम बात कर रहे हैं दोस्तों, आज हम बात करेंगे चेस्ट पेन की, छाती में दर्द की, लाइव करेंगे, आपको बताएंगे। अगर आपको छाती में दर्द होता है, चेस्ट पेन होता है, चेस्ट में लेफ्ट साइड, राइट साइड, पीछे, ऊपर नीचे और हाथ में इधर उधर, तो सबके दिमाग में पहली बात आती है कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा, मेरा हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन ऐसे कई लोग हैं दुनिया में, और जब मैं कह रहा हूँ कई लोग हैं मतलब कई लोग हैं दुनिया में जो हार्ट के सारे टेस्ट करवा चुके हैं, उनको डॉक्टर्स भगा चुके हैं, हट तुमको कुछ नहीं है, घर जाओ, हट। सॉरी, ऐसे तो कोई नहीं भगाता, बट देन एक्चुअली ऐसा कर चुके हैं, जो सारे टेस्ट कर चुके, ECG, ECO, TMT सारे नॉर्मल, कईयों ने एंजियोग्राफी करा ली वो भी नॉर्मल है, तो ये चेस्ट में पेन क्यों हो रहा है उनसे परेशान। तो चेस्ट में पेन एक तो हार्ट की वजह से होता है, तो ऑब्वियस बात है अगर आपको छाती में दर्द है तो हार्ट के चेस्ट पेन के ऊपर हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं, उसके लिए आपको ECG, ECO, TMT जरूर कराने चाहिए। पहले ECG, ECO, ट्रोपाई कराना चाहिए, ट्रोपोनिन। और अगर आप नहीं जानते ये सब क्या है तो आप हमारे नीचे हार्ट के सीरीज और हार्ट टेस्ट की सीरीज नीचे लिंक दी हुई है, वो देख सकते हैं, ठीक है। नंबर दो, अगर चेस्ट में पेन है और वो हार्ट नॉर्मल है, अगर हार्ट नहीं है तो क्या होगा, तो क्या हो सकता है, आज हम उसकी बात करेंगे। सो नंबर वन, द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर चेस्ट पेन विथ अ नॉर्मल हार्ट इज गैस। जी हाँ, गैस्ट्राइटिस या GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जैसे आपका स्टमक एसिड ऊपर आता है, छलकता है, तो बहुत जोरदार जलन होती है, दर्द होता है, राइट, दैट इज गैस्ट्राइटिस, दर्द होता है। So, वो एक चीज है। और दूसरी चीज है डिहाइड्रेशन, मसल्स जो होती हैं, मस्कुलर पेन हो सकता है डिहाइड्रेशन से। डिहाइड्रेशन होता है पानी नहीं होता शरीर में, तो आपके मसल्स जो है दुख सकते हैं, वो सारे शरीर के दुख सकते हैं, छाती के भी दुख सकते हैं। थर्ड, बहुत सारी कॉमन चीजें हैं, अगर आपके यहाँ पे गले में से यानी छाती में से नीचे जाने वाली जो खून की मेन नस है, वो खून की मेन नस में एओर्टा में चीरा आ जाए, टीयर हो जाए, एओर्टिक टीयर, एओर्टिक एनोरिज्म, बहुत ये भी जानलेवा चीज होती है, डिसेक्शन जिसे कहते हैं aortic dissection, वो जानलेवा होता है, लेकिन वो चीज नॉर्मली लोगों को नहीं, वो कंटिन्यूस और बहुत तेज दर्द हो रहा है, वो ठीक नहीं होगा। ऐसा नहीं कभी कभी होता है, कभी कभी होता है, कंटिन्यूस पेन, राइट, वो हो सकता है। और क्या हो सकता है आपको, पेरिकार्डाइटिस का, हार्ट के आसपास इन्फ्लामेशन हो सकता है। लेकिन ज्यादा कॉमन रीजन क्या है उस पर आते हैं। ज्यादा कॉमन रीजन है कि आपके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो सकता है, निमोनिया। जी हाँ, निमोनिया से छाती में दर्द होता है। और निमोनिया के अलावा आपके जो जॉइंट्स हैं रिब केज में, आपके जो रिब्स हैं, रिब्स और कार्टिलेज, रिब्स और स्टर्नम, बीच की हड्डी का जॉइंट है, उस जॉइंट में पेन हो सकता है। उसके जॉइंट में पेन होता है, वहां पे जॉइंट में वीकनेस हो सकती है, कोस्टोकोंड्राइटिस नाम की चीज, मतलब उस जॉइंट का इन्फ्लामेशन हो सकता है, वहां पे इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, वहां पर दिक्कतें आ सकती है। छाती में फेफड़ों होते हैं, लंग्स हैं, लंग्स के बाहर एक कवरिंग है, उस लंग के बाहर वाली कवरिंग में हवा भर सकती है, न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, चोट लगी हो सकती है, इंजरी हो सकती है, जिसके वजह से रिब फ्रैक्चर हुआ हो सकता है, उन सब कारणों के वजह से भी दर्द हो सकता है। आपको शिंगल्स मतलब दाने हो सकते हैं, शिंगल्स, हर्पीज हो सकता है, हर्पीज में भी दर्द होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, बहुत शार्प टिंगलिंग पेन होता है, उससे भी होता है। और मानेंगे कई बार सिर्फ मसल्स और टेंडन्स के स्पाजम से पेन होता है। जी हाँ, स्पाजम, बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन, नंबर वन रीजन, मसल्स और टेंडन्स के स्पाजम में दर्द होता है। ऐसे में पानी ज्यादा पीने से, रिलैक्स मसाज करने से, मसल रिलैक्सेशन लेने से आराम हो जाता है, सो वो भी ट्राई कर सकते हो, राइट। अगर छाती में दर्द है, इवन कई बार वो लेफ्ट साइड कंधे में गॉल ब्लैडर स्टोन से भी हो सकता है। जी हाँ, वो गॉल ब्लैडर स्टोन से दर्द ज्यादातर आपके खाना खाने के बाद बढ़ जाता है, ऊपर के पेन में, ऊपर और यहाँ पे भी हो सकता है, दैट इज वन रीजन। और स्टमक अल्सर, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके अलावा जो मेजर रीजन है वो है पैनिक अटैक्स, यस, स्ट्रेस, स्ट्रेस से भी दर्द होता है। पैनिक अटैक जब होता है तो एकदम दर्द बढ़ता है और ये ब्रीदिंग बढ़ फास्ट ब्रीदिंग के साथ होता है, राइट, ये ज्यादातर होता है। और अगर बच्चों में हो रहा है, बच्चों में छाती में दर्द हो, ज्यादातर वो हार्ट से नहीं होता। सो बच्चों में छाती में दर्द ज्यादातर हार्ट से
नहीं होता, ये बात आपको समझनी है। अब सबसे बड़ी चीज़ लोग जानना चाहते हैं कि मैं घर में क्या करूँ, होम केयर क्या करूँ, होम केयर कैसे करूँ हार्ट के पेन का। तो यह बात याद रखिए, हार्ट के पेन का होम केयर कभी नहीं करना, पहले पहले जाके अपना हार्ट का चेकअप कराइए, ECG, इको, TMT, व्हाटएवर यू डॉक्टर सेज, कार्डियोलॉजिस्ट सेज, वो पहले कराइए, बाकी सब उसके बाद आता है कि हाँ मुझे सब नॉर्मल है, उसके बाद फिर सोचिए कि हाँ डिहाइड्रेशन है, गैस है या क्या है, राइट। दैट टू डॉक्टर का काम है, अगर वो नहीं कर रहा तो आपको डॉक्टर से डॉक्टर बदलना चाहिए, राइट। अभी मैं इसमें वीडियोस देख ही नहीं पा रहा हूँ, वीडियो इन्हें लाइव इसमें क्यों नहीं आ रहा यार, मेरे मोबाइल में लाइव चैट ऐसी ब्लैंक आ रही है, किसी ने रिप्लाई नहीं किया, लेकिन इसमें आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, इसमें आ रहा है तो अच्छा, आ गया आ गया आ गया, बड़ी देर बाद आया है। अच्छा लो, मैं एक तैयब ऑल राइट मलिक तैयब, भाई सर मुर्ग 2 महीने से सर में दर्द हो रहा है ऑफ एंड ऑन, अक्सर खाना खाने के बाद ज़्यादा होता है, स्टमक भी अपसेट, सर भारी रहता है, वीकनेस और बाजू और टांगों में नमनेस सी फील होती है, मैं टेंशन बहुत लेता हूँ। खत्म, कारण ही आपका टेंशन है, टेंशन हेडेक आपका डायग्नोसिस होगा, सबसे पहला काम आपको डायग्नोसिस करना पड़ेगा, टेंशन हेडेक, टेंशन कम करिए, मसाज कराइए इसका, कंधों का ठीक हो जाएगा, नींद थोड़ी बराबर लीजिए, डाइट बराबर लीजिए, थोड़ी एक्सरसाइज शुरू करिए, ये टेंशन हेडेक है और कुछ नहीं। लैक्टोज इंटॉलरेंस पहले नहीं थी, अब है, तो आपका पेट खराब है, थोड़े दिन रुकिए, पेट ठीक होने दीजिए, तब तक दही खाइए, पेट ठीक होने के बाद वापस आप लैक्टोज यानी दूध ले पाएंगे। क्रिएटिनिन मोनोहाइड्रेट पेट ठीक करने के लिए पेट को डायग्नोस कराइए। क्रिएटिनिन मोनोहाइड्रेट सर गुड और बैड फॉर सेक्सुअल हेल्थ, फॉर इरेक्शन, बैड इफेक्ट्स तो नहीं आएंगे मुझे लगा, और एसिडिटी भी बहुत होती है, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, फिर भी हेल्प रिस्पेक्ट नहीं, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट से सेक्सुअल प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, पानी ज़्यादा पीना पड़ता है, एसिडिटी हो सकती है किसी किसी टाइप के क्रिएटिनिन के सॉल्ट के साथ, दैट इज़ अगेन पेशेंट टू पेशेंट, पर्सन टू पर्सन पे रहता है। अगर आपको हो रही है चेंज द सॉल्ट, सॉल्ट चेंज करके देखो, क्रिएटिनिन मोनोहाइड्रेट है, क्रिएटिनिन माइक्रोनाइज्ड मोनोहाइड्रेट है, और दूसरे भी आते हैं क्रिएटिनिन फॉस्फेट, ये वो दूसरे देख लो जो मिलता है, एक दो चेंज करके देखो। आई वॉज फॉलोइंग 1:1 कार्ब प्रोटीन रेशियो, लॉस्ट 4 kg, नाउ आई थिंक टू साइकिल कार्ब्स विथ लोअरिंग कार्ब्स मोर, शुड आई, वाई डू यू वॉन्ट टू लोअर कार्ब्स मोर, राइट, यू ऑलरेडी हैव 1:1 कार्ब्स रेशियो, जस्ट इंक्रीज, अगर आप अब kg वेट लूज करना चाहते हो और वेट लूज करना चाहते हो, इंक्रीज योर एक्टिविटी ना, अब इंक्रीज योर एक्टिविटी, वेन यू विल हिट अ प्लेटो दैट टाइम यू लूज योर कार्ब, राइट, अभी करोगे तो वो प्लेटो आएगा, तब क्या करोगे, राइट। चेस्ट पेन इन स्टमक ब्लोटिंग डेली, चेस्ट पेन विथ स्टमक ब्लोटिंग डेली कैन मोस्ट प्रोबेबली बी गैस्ट्राइटिस, स्टमक प्रॉब्लम्स, इसोफेजियल स्पाजम्स, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, आपको एंटासिड्स का कोर्स करना होगा, एंडोस्कोपी करानी पड़ सकती है, एच पाइलोरी का इन्फेक्शन हो सकता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बहुत कॉमन है, तो वो चीज़ों के बारे में अभी वीडियो आना है, गैस्ट्राइटिस का आ चुका है, इनडाइजेशन का आ चुका है, ब्लोटिंग का आ चुका है, ये सब वीडियो ज़रूर देखिए, उसको नीचे डाइजेस्टिव हेल्थ की सीरीज में मिलेगा, या फिर यही टॉपिक बाय डॉक्टर एजुकेशन यूट्यूब पे टाइप करिए, मिल जाएगा। सर मोटे लोग काजू कितना खा सकते हैं? एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, जो मर्जी खा लो, काजू भी खा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा खुली मुट्ठी नहीं, यार सर यह मेरी मुट्ठी में काजू आधा किलो, मुट्ठी ओके राइट देन, हेड एंड फेस स्वेटिंग कम कैसे करें प्लीज़ कुछ बताएं। सी स्वेटिंग कम करने के लिए आपको एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन लेनी पड़ेगी, या डीपर्सपिरेंट वो आते हैं, डीपर्सपिरेंट जो एंटीपर्सपिरेंट स्प्रे आते हैं वो बगल आर्म्स के लिए आते हैं, वही चीज़ सेफ लिमिट में डॉक्टर्स क्रीम में भी आते हैं, वो आप हमसे नहीं ले सकते, वो वाली चीज़ नहीं लगाएंगे, वो डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बताएंगे, एंटी परस्पिरेंट चीज़ें या एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशन, सॉरी मेडिसिन यहाँ नहीं बता सकता, और मुझे ज़्यादा पता भी नहीं है मेडिसिन के नाम इस वाली, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट जानता हूँ, क्योंकि ये मैं देता नहीं है ना, डर्मेटोलॉजिस्ट वाले काम इतने ज़्यादा नहीं करते अपन, ठीक है। डज डेली डूइंग मास्टरबेशन वीक टेस्टोस्टेरोन, नो टेस्टोस्टेरोन को कोई वीक नहीं करता, नो मीन्स नो,
हाउ टू प्रिवेंट मसल लॉस ड्यूरिंग फैट लॉस कटिंग फेज, यू नीड गुड हाई प्रोटीन डाइट, लो कार्ब्स एंड प्रोग्रेसिव ओवरलोड ऑफ एक्सरसाइज. अगर आपके मसल्स में प्रोग्रेसिव है, द प्रॉब्लम विद अस इज कि हम ओवरलोड, स्मॉल प्रोग्रेसिव ओवरलोड की जगह वेरी बिग प्रोग्रेस करने की सोचते हैं, बहुत बड़े प्रोग्रेस में हम फंस जाते हैं. छोटा छोटा प्रोग्रेस हो तो ज़्यादा बेहतर है, छोटा छोटा प्रोग्रेस याद रखिए. अब है लैक्टोस इंटॉलरेंस है तो कुछ नहीं, दही लीजिए, थोड़ा वेट करिए, हो जाएगा ठीक. साइड इफेक्ट्स ऑफ ओमेगा 3, नॉट मच. ओमेगा 3 इज डोंट हैव मच साइड इफेक्ट्स एंड क्वाइट फ्रेंकली दे कैन बी सेफली टेकन एज मच एज यू वॉन्ट. बहुत हाई लेवल पे आते हैं, 5000 यूनिट्स, 5000 मिलीग्राम पर डे अगर ले रहे हो तो उतना तो बहुत दूर हो गया. हमको कितना है, 200-250 लेना है. सर मेरा वेट कम हो जाता है क्या? हो जाता है वो, हो भाग्य, मेरा वेट कम हो जा रहे है, हो जा रहे, 19 है, मेरा वेट कम हो जा रहे है तो खाना खाओ और क्या, खाना ज़्यादा खाओ, आप किस्मत वाले हो, दबा के खाओ. वेट थोड़ा बहुत कम हो रहा है कोई बात नहीं. ओनली मिल्क और मिल्क एंड ओट्स आर पोस्ट वर्कआउट, यस ओनली मिल्क और मिल्क एंड ओट्स एज पोस्ट वर्कआउट. आई वुड से ओनली मिल्क, मिल्क एंड ओट्स विल गिव यू मोर कार्ब्स देन एनी अदर एंड देन प्रोटीन्स. अगर आप एक्चुअली देखोगे तो फिर मिल्क ओट्स प्लस समथिंग प्लस सम हाई कार्ब थिंग तब बात होगी, या मिल्क ओट्स प्लस वे प्रोटीन आइसोलेट तब बात ओके है, क्योंकि फिर आपने प्रोटीन डाल दिया ना. ओट्स में तो कार्ब ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है और कॉम्प्लेक्स है लेकिन है. सो यू नीड टू बैलेंस योर कार्ब प्रोटीन्स इन द होल डे, उसको बैलेंस करने के लिए करना पड़ेगा, उसके लिए साइंस ऑफ न्यूट्रिशन जाके देखो. हेलो सर, पानी गर्म पीना चाहिए या ठंडा? नॉर्मल टेम्परेचर 10-15 डिग्री टेम्परेचर में पीना चाहिए, 10-15 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए पानी का. सर अपना नंबर दो, 7827570775, इस पे व्हाट्सएप करिए और वेट करिए, फोन करेंगे तो ब्लॉक हो जाएगा नंबर. लिवर लिवर थी है किना क्या, लिवर थी है किना, इसका टेस्ट क्या है, क्या क्या लिखते हो घोष साहब, लिवर फंक्शन टेस्ट कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ, फाइब्रोस्कैन कराओ, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलो. हाय सर, मेरा भी कभी कभी हार्ट में पेन होता है, क्या करे? पानी खूब पीना शुरू करो, मसाज कराओ एक बार, और क्या बोलते हैं इसको, एक्सरसाइज शुरू करो, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग सुबह सुबह, मेन चीज़ है स्ट्रेचिंग. स्ट्रेचिंग करते हैं, योगा करते हैं तो उससे ठीक हो जाता है कई बार, और मसाज कराते हैं बॉडी की तो और जल्दी ठीक हो जाता है. थोड़ा वार्म वाटर से बात लेते हैं तो भी ठीक हो जाता है, राइट. अब वो कारण ढूंढना पड़ेगा जो मैंने ऊपर बताया, लेकिन अगर मस्कुलोस्केलेटल कारण डिहाइड्रेशन है तो इनसे ठीक हो जाएगा, राइट. योगा के लेटेस्ट रिसर्च कौन सी वेबसाइट पर आएंगे? आई एम ए योगा ट्रेनर. योगा के लेटेस्ट रिसर्च भी पबमेड पे ही आएंगे, पबमेड, राइट. प्राणनाथ जी, डेबी जो जोश जी का इलाज करने लगे हो, फीवर होता है क्या? वीडियो नहीं आया टैन पर, अबे क्या मतलब, मतलब एक ही काम करता हूँ क्या मैं सुबह से शाम? जिसने बोला, आपने बोला तो वही टैन का वीडियो बना के डालूंगा. नहीं टाइम मिल रहा भैया, सुबह से पागल समान काम कर रहे हैं हॉस्पिटल का, अभी भी बिजी हूँ, अभी भी हॉस्पिटल के काम खत्म करके आए हैं, टाइम नहीं मिल रहा यार. मिल जाएगा, मिलेगा टाइम, वीडियो मिलेगा आपका, टैन का भी अभी वो आने वाले हैं, क्या नाम है, राइट, फास्टिंग करते हैं ना लोग, ये वो आने वो उसके भी बनाने हैं मेरे को वीडियो, मैं नाम भूल गया नाम याद कर, एनी वेज, राइट, रमज़ान, रमज़ान आने वाला है, उसका वीडियो भी बनाना पड़ेगा, राइट. क्या हम मल्टीपल टाइम्स फैट लॉस एंड वेट लॉस, वेट गेन कर सकते हैं? नॉट गुड फॉर योर बॉडी बट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, राइट. हर बार करना अच्छी बात नहीं है लेकिन कर सकते हैं, पॉसिबल है, बट ऐसी नहीं है वाह मेरी बॉडी तो बहुत अच्छी हो रही है, ऐसा नहीं है, इट्स नॉट गुड. बार बार वजन बढ़ाना, बार बार वजन लॉस करना नॉट गुड. आप अपना वजन मेंटेन करें, दैट इज़ गुड. थोड़ा बहुत एवरेज में रहेंगे तो बेटर है, एक्सट्रीम लेवल पर जाके फैट टू फिट करना वो इट्स नॉट द बेस्ट ऑप्शन. क्या कैस्टर ऑयल बियर्ड ग्रोथ कर सकता है? नो, कोई भी ऑयल बियर्ड ग्रोथ नहीं करता, इट कैन जस्ट असिस्ट. क्या कंपाउंडर ऑपरेशन कर सकता है? क्या कंपाउंडर ऑपरेशन कर सकता है? लेकिन कंपाउंडर के बगैर भी ऑपरेशन नहीं हो सकता, अकेला डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करता.
इसलिए ऐसे ही बियर्ड ग्रोथ, हेयर ग्रोथ एक एक ऑपरेशन जैसा काम है, बहुत सारे लोगों को मिलके, बहुत सारे फैक्टर्स को मिलके करना पड़ता है, कोई भी एक नहीं रहेगा तो मुश्किल होगी, है कि नहीं। वैसे ही आपके बियर्ड को तेल चाहिए, आपके बालों को तेल चाहिए, तेल नहीं लगाओगे तो मुश्किल होगी, कंपाउंडर नहीं होगा तो मुश्किल होगी, है ना। आई होप आई यू मस्त एग्जाम्पल, बढ़िया था ना, लाइक करवा उस पर। आ रहा हूँ मैं पेट सवाल पे, अभी पेट सवाल का टाइम आने वाला है। हाउ टू ट्रीट म्यूकस प्लग, प्लीज शेयर सम होम रेमेडी। म्यूकस प्लीज शेयर सम मूकस। ट्रीटिंग म्यूकस इज ऑल अबाउट वाटर, ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर, टेकिंग स्टीम एंड नेबुलाइजेशन, इतना बहुत होता है म्यूकस के लिए। डी कंजेस्टेंट नेजल ड्रॉप्स, और वो भी ले सकते हैं बीच में 4-5 दिन के लिए बस। 100+ lifestyle, lipomas in the body, please suggest appropriate lifestyle। अगर सिमरन जी आप बोलें कि आपके पूरे शरीर में, पूरी बॉडी में, आपकी स्किन, आपके दिमाग, आपकी बॉडी, उस पर कोई स्ट्रेस नहीं है, दैट इज योर लाइफ स्टाइल, दैट इज योर, दैट्स इट, द स्ट्रेस ऑन योर स्किन, ऑन योर लाइफ स्टाइल शुड नॉट बी द स्ट्रेस ऑफ इवन क्रोनिक सिटिंग, बार बार बैठ रहे हो लंबे समय पे, तो यू नीड अ बेस्ट, यू नीड टू फाइंड आउट क्रोनिकली, हर मोमेंट पे, हर वीडियो से सुन सुन के हमारी एक एक अच्छी चीज़ पकड़ो और करते जाओ, लिख के कि मैंने ये ऐड किया अपने लाइफ में, देन यू विल बी गुड, राइट। ECG करवाया था, वो नॉर्मल थे, फिर भी चुभन कम नहीं हो पा रही है, BP 140/90। इसी का आपका वीडियो है सुबह, पहले पाँच मिनट में मैंने बताया है आपको आपके कारण। आप एक बार अपने और टेस्ट कराइए, कार्डियोलॉजिस्ट से जाके बैठ के, फिजिशियन से बैठ के बात करिए कि व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीज़न इन योर केस, और पानी खूब पीजिए, मसाज कराइए, और जो मैंने दो चार चीज़ें पहले बताइए वो करके दिखाओ। होममेड अल्कोहल सेफ और नॉट, हाउ टू मेक, ये क्या बात हुई, मैं क्या दारू बर्तन सिखाता हूँ। मुझे आती भी नहीं है यार, मेरे कुछ रिलेटिव बनाते हैं, तो मैंने एक आधी बार ट्राई करी है, बट दैट्स नॉट वॉट वी से सेफ और नॉट, इट्स सेफ अगर सही से बना रहे हो तो, बट उसका परमिट होता है क्या पता नहीं मुझे। ओके सर, मेरी मदर का क्रिएटिन 1.43 ब्लड यूरिया 2000 यूरिया, यार ये क्या कर रहे हो, ऐसे थोड़ी बताया जाता है, ये पेशेंट को देखना पड़ता है अमित शर्मा जी। एक ब्लड रिपोर्ट के बेसिस पे हम ये नहीं बता सकते कि आप प्रोटीन ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, सॉरी, आपको पेशेंट को लाके दिखाना होगा, या फिर हम पूरा प्रॉपर सारी फाइल्स देख के उनकी बता पाएंगे, पुराने प्रिस्क्रिप्शन देख के, ऐसे नहीं बता सकते। ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हो आप, नंबर मैंने अभी आची वी के वीडियो में एक डिस्प्ले वो बताया था, 7827570775। देखो सर भी दुखने लग जाता है, बताओ इतना काम करते हैं, आप बोलते हो काम नहीं का मतलब आपका वीडियो नहीं बना। चलो अब मैं लाइव तो हो गया, सॉरी ये वाले सवाल ले लेता हूँ। एस्टिगमेटिज्म के लिए निबुला जी, यू नीड टू गो टू ऑप्थर्मोलॉजिस्ट आपको बताएंगे। जितेंद्र घाई जी का पेट सवाल, लिवर SGOT 115 है, SGPT 190 है, ट्राइग्लिसराइड 514 है, और HbA1c 9, व्हाट टू डू, हीमोग्लोबिन 12.7, विटामिन डी 26। विटामिन डी सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, ही शुगर बहुत ज़्यादा है, शुगर के लिए अगर दवा नहीं ले रहे हो तो दवा लेना पड़ेगा, और डाइट एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, कुछ दिन की दवा तो लेनी पड़ेगी, ट्राइग्लिसराइड के लिए दवा लेनी पड़ेगी आपको, और लिवर के लिए हल्का आहार लेना पड़ेगा। यू हैव टू चेंज योर डाइट लाइफस्टाइल, और मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए जितेंद्र जी, यू शुड कंसल्ट मी ऑनलाइन। आप 7827570775 पे कंसल्ट करिए मुझसे ऑनलाइन, और उस पर आपको एक फॉर्म आएगा, ऑनलाइन कंसल्ट फॉर्म, वो पेमेंट के बाद तब आपको वो फॉर्म भरना है, उसमें मेरे को आपकी सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो देर इज़ अ मेथड मेड, राइट, ऐसे नहीं होती कंसल्ट, राइट। एनीवेज, मल्टीविटामिन्स B1, मल्टीविटामिन्स डेली खाना अच्छा है क्या? नो, डेली नहीं खाना चाहिए कोई भी मल्टीविटामिन ज़िंदगी भर, कोई भी नहीं, राइट। कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ हफ्ते खा लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ज़िंदगी भर नहीं, राइट। ये सर क्यों दुखने लग जाता है यार? RO वाटर सही रहता है क्या? RO प्लस TDS कंट्रोल, इट नीड्स TDS कंट्रोल या रीमिनरलाइजेशन। जिद्दी दानों का बता दो, जिद्दी दाने क्या होता है, जिद्दी दानों का बता दो, क्या बता
जिद्दी दाने यानी ये जिद्दी दाने, मेरी फेस पे दाने है, दानों को निकाल दो। जिद्दी दानों को एक बार दिखाना पड़ेगा, उसका डायग्नोस कराइए वो क्या है। आप एक्नी वाला मेरा वीडियो देखो, उसमें ब्लैक हेड है, वाइट हेड है, क्या हेड है, कौन से हेडर है, उसको उसके हिसाब से ठीक करेंगे। पूरा हमने नीचे समझाया हुआ है, एक्नी बाय डॉक्टर एजुकेशन वीडियो नीचे है। चेस्ट पेन होता है समटाइम्स, लेफ्ट हैंड भी पेन होता है, क्या रीज़न हो सकता है, मैं कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए पता लगे हार्ट में प्रॉब्लम ना हो। आपको ECG कराना चाहिए, इकोकार्डियोग्राफी कराना चाहिए और TMT अगर ये दोनों नॉर्मल है तो, और एक ट्रोपोनिन ट्रोपाई भी करा सकते हो। हाउ टू ट्रीट स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स, यू गो टू अ डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट एंड ही गिव्स यू मेडिसिंस एंड यू टेक द मेडिसिंस एंड यू गेट ट्रीटेड। हाउ टू ट्रीट, आई एम नॉट गोइंग टू ट्रीट यू द ट्रीटमेंट हियर, राइट। मैं डॉक्टर नहीं पैदा कर रहा हूँ, मैं एजुकेशन दे रहा हूँ, ठीक है। हम गली गली डॉक्टर पैदा हो जाएंगे, नहीं तो एक काम करिए, गोली ले ली, जहां दाना दिखा पिंपल नहीं है ये चिकन पॉक्स है ये खा, ये शुरू हो जाएगा। भाई साहब थोड़ा अपनी डेली क्या बोलते हो, एथिक, हिंदी नहीं आती यार इतनी अच्छे से, क्या बोलते हो उसको, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, ऐसी जगहों पे ऐसे सवाल मत पूछो, राइट। एनीवेज, मास गेनर ब्लड प्रोटीन एक साथ ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हो यार, अल्टीमेटली प्रोटीन है वो, प्रोटीन मास गेनर में कार्ब ज़्यादा है, ब्लेंड प्रोटीन में प्रोटीन ज़्यादा है, दोनों मिला दोगे तो अल्टीमेटली कार्ब ज़्यादा हो जाएंगे, थोड़ा सा उसमें मास गेनर में प्रोटीन बढ़ जाएगा, प्रोटीन ब्लेंड में कार्ब बढ़ जाएगा, उसमें क्या है, ले सकते हो, पड़े हैं ले लो, की फर्क पड़ता है यार, बेसिक प्रोटीन कार्ब रेशियो मैटर करता है यार, इतना कंफ्यूज मत हो। जी कोल्ड से भी, हाँ कोल्ड बेसिकली मतलब देर इज कोल्ड से भी छाती में इन्फेक्शन हो सकता है, कफ अंदर जाता है तो निमोनिया हो सकता है, वायरल निमोनिया में कोल्ड से भी छाती में दर्द हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, खांसने से, बार बार खांसने से भी दर्द हो सकता है। चेस्ट पेन होता है बॉडी में जब वेंट होती होते हैं तो, क्या रीज़न हो सकता है, बेंड होते हैं तो चेस्ट पेन होता है, ये मस्कुलोस्केलेटल ही है, मसल में, स्केलेटल में या जॉइंट में, ठीक है, वो उसके लिए आप ऑर्थोपेडिशन को दिखाओ, वो आपको थोड़े मेडिसिन देंगे उससे ठीक हो जाएगी। अच्छा प्रोवोकर जी ने फिर वही पूछा, हाउ टू ट्रीट स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स, इट्स अ वायरल इन्फेक्शन भैया, वो नॉर्मली इट गेट्स ट्रीटेड बाय इटसेल्फ, बट एंटीवायरल मेडिसिन आते हैं जो आपको डॉक्टर देंगे, हम आपको यहाँ नहीं बता सकते, क्षमा करिए। सर कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन से पेशेंट को इमेजेस क्या कर ट्रीटमेंट दे सकते हैं, चेस्ट कंप्रेशन, कार्डियक अरेस्ट है तो चेस्ट कंप्रेशन, धकक 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 धकक, ये यहाँ रखने का, ये जो है ये यहाँ रखने का और इसको स्ट्रेट रखने का, एल्बो को ऐसा रखना दबाने का, मस्त जोरदार ऐसे, राइट ऑल राइट। अभी यार चेस्ट पेन पे सवाल पूछो, चेस्ट पेन पे स्लाइट रेड रैश ऑन द हेड ऑफ द पेनिस, इरेक्शन गुड, गो एंड गेट टेस्टेड फॉर STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, मिस्टर नाम नहीं बोलता मैं आपका, चलो STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के लिए आप अपने आप को टेस्ट कराइए लोकल लैब से, दैट इज इम्पॉर्टेंट। रैश इज डिफिकल्ट, रैश है पेनिस पे, रैश है वजाइना पे, रैश है वहाँ के एरिया पे कहीं पे रैश है, बिल्कुल सोचो मत, चले जाओ, दवा लेने से ठीक हो जाते हैं, अगर बीमारी है तो पकड़ो, समझे, एक से दूसरे को फैलाओगे और फालतू में नुकसान पहुंचाओगे, सिंक है, ठीक है। कफ के ऊपर मेरा वीडियो है नव्य व्यत जी, कफ बाय डॉक्टर एजुकेशन, यूटीआई को डायग्नोस करने के लिए मेरा यूटीआई का डिटेल वीडियो है, यूटीआई बाय डॉक्टर एजुकेशन, होल्टर से ब्लॉकेज नहीं डिटेक्ट होती है, होल्टर का मेरा वीडियो है नीचे, हार्ट टेस्ट के सीरीज में होल्टर बाय डॉक्टर एजुकेशन, कितने सारे वीडियो बनाए, सब पे वीडियो है, आप लोग देखते ही नहीं हो, थोड़ा सा वीडियो देख लो यार। वही कैसे कैसे सवाल पूछते हैं सर, क्या करेंगे, है ना, आप लोग को मजा आता होगा, आज देखते हैं क्या सवाल आता है। धन्यवाद जिया जी, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स। किडनी पे वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, किडनी बाय डॉक्टर एजुकेशन, आ जाओ जी। व्हाट इज एक्जिमा, एक्जिमा और अर्टिकेरिया, और इस पे वीडियो है मेरा एलर्जी वाला वीडियो देखो, उसमें एक्जिमा भी आ जाएगा। ड्रिंकिंग बियर हैज़ नो बेनिफिट। ब्लड प्रेशर के ऊपर फुल डिटेल वीडियो है करम सिंह जी, एक्सट्रीम वीकनेस, डायबिटीज़,
डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, इसका साइन हो सकता है, मोटापे का साइन हो सकता है, सो गो एंड गेट टेस्टेड, राइट। चेस्ट पेन, साइनस, चेस्ट पर पेन, सुई नुमा चेन चेस्ट पर हो रहा है, दैट कैन बी जस्ट इसोफेजियल स्पाजम्स, गैस ऊपर, एसिड ऊपर चढ़ना, और इवन मस्कुलर स्पाजम्स हो सकते हैं, राइट। आपको देखना है कि लंबी सांस लेने पे दर्द है तो मसल है, ठीक है। कभी कभी सर में पसीना बहुत आता है, नॉर्मल है। वैक्सीन ऑन मलेरिया नहीं आएगी, कभी नहीं आ, अभी तो नहीं आई है, आगे चल के सोचेंगे, बट अभी ऐसी कोई चांस नहीं है। ज़्यादातर वैक्सीन्स वायरल इन्फेक्शंस की होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की मुश्किल है, बट आ भी सकती है, कोई भरोसा नहीं, आती है, कोई कम आती है। बेबी के लिए पेनलेस और पेन वैक्सीन में क्या डिफरेंस है? पेनलेस वैक्सीन चुनिए, पेन फ्री वैक्सीन ना चुनिए। पेन वाली वैक्सीन थोड़ी सी बॉडी में इम्यून रिएक्शन पैदा करती है, पेनलेस वाली नहीं करती है। दोनों ही सही है, इफेक्टिव है, दोनों में से कर सकते हो। आ जाओ फाइल दे दो। देखा, काम आ गया ना, जाना पड़ेगा ना, कितना टाइम निकालते हो तुम्हारे लिए, तुम सुनते नहीं हो, लाइक भी नहीं करते हो और शेयर भी नहीं करते हो। रख दो, अभी कर रहे, ठीक है, दो मिनट में, ठीक है, चलो, ओके। क्रैकलिंग साउंड फ्रॉम राइट नी, इस कितने सारे वीडियो, हर एक के लिए वीडियो है, ऑलमोस्ट आधे लोग जिन्होंने सवाल पूछा है ना, सब पे वीडियो बने हुए हैं। एक बार सर्च क्यों नहीं करते हो तुम, डॉक्टर परमजीत नाम लिख के है, डॉक्टर एजुकेशन डॉक्टर परमजीत नाम लिख के देखो, राइट। जेनाइटल हर्पीस के लिए आपको उसको दिखाना पड़ेगा, डर्मेटोलॉजिस्ट को बिल्कुल दिखाना पड़ेगा। बेस्ट, कोई विटामिन डायबिटीज़ को क्योर नहीं कर सकता है भाई साहब, कौन समझाया तुमको ऐसा खतरनाक। चलो थैंक यू यार, चलता हूँ अभी, बहुत खतरनाक सवाल पूछते हैं यार। चिया सीड्स आर हेल्दी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। वजन कैसे बढ़ाऊ, मेरा वीडियो है बल्किंग बाय डॉक्टर एजुकेशन। हल्का पेन ऑल ओवर हार्ट एरिया, चेस्ट पेन चेस्ट कराओ। एसटी एलिवेशन ऑलवेज अ मार्कर ऑफ एमआई, यस एसटी एलिवेशन इज एमआई, डोंट इवन थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, फट से जाओ, एमआई है वो, ठीक है। इसको ईसीजी समझना है, ईसीजी पे मेरा फुल डिटेल वीडियो है। हार्ट के पेशेंट्स, अगर कोई ये पूरा वीडियो देख रहा है ये सोच के मुझे कुछ पता चलेगा, नीचे जाओ, मेरे नीचे सारे मोस्ट प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं, उसमें हार्ट का प्लेलिस्ट है और एच टेस्ट, हार्ट टेस्ट का प्लेलिस्ट है, वो दोनों को देख लो। लिटरली मतलब इतनी जानकारी तुमको कोई किसी दुनिया का डॉक्टर नहीं देगा जो तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट। इफ़ यू हैव हार्ट पेन, इफ़ यू थिंक आपको हार्ट अटैक होने वाला है, वो उस दो प्लेलिस्ट पे टाइम स्पेंड करके आप अपनी जिज्ञासा, अपनी मन की शांति पालोगे। ओके, गुड लक।